हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। नो डाउट आपको बहुत 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 मजा आने वाला है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट थी जो एक छोटे से फ्लैट में शेयर करके रहती थी। उनका फ्लैट बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर था। नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उसे न्यूमोनिया हो गया था। वह अपने बिस्तर में बिना हिले डुले खिड़की से बाहर देखती रहती थी। शू उसकी फ्रेंड उसे लेकर बहुत ज्यादा ही चिंतित थी। उसने डॉक्टर को बुलाया। हालांकि डॉक्टर रोज आता था, पर जॉन्सी की हालत में कोई सुधार या बदलाव नहीं था। एक दिन डॉक्टर शू को एक तरफ ले जाता है और उससे पूछता है, क्या जॉन्सी को कोई चिंता लगी है? नहीं तो, शू ने उत्तर दिया। पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि उसे अच्छा नहीं होना है। अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो कोई दवा उसकी मदद नहीं करेगी। शू ने बहुत कोशिश की कि वह जॉन्सी को आसपास की चीज़ों में रुचि दिलाने की कोशिश करे। उसने उससे फैशन और कपड़ों के बारे में बातें की। फिर वह अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले जाती है और वह अपना पेंटिंग करना शुरू कर देती है। वह पेंटिंग करते वक्त सीटी भी बजाती है ताकि जॉन्सी उसकी तरफ ध्यान दे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन्सी ने दीवार पर बाहर आईवी वेल की तरफ देखा। उसके पत्ते गिर रहे थे क्योंकि वह एक ऑटम का सीजन था। जॉन्सी 12 से लेकर उल्टी गिनती कर रही थी। शू ने उससे पूछा कि यह सब किस बारे में था। तब जॉन्सी ने उसे बताया कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ वह मर जाएगी। शू ने इसे बकवास कहा। उसने उसे बताया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, परंतु इसका जॉन्सी पर कोई असर नहीं हुआ। शू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पर्दे को खींच नहीं सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं पेंटिंग को ख़त्म करके कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे वचन दो कि तुम तब तक बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपना पेंटिंग नहीं ख़त्म कर लेती। जॉन्सी इस पर कहती है, ठीक है, तुम अपना पेंटिंग जल्दी बनाओ, मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर शू जॉन्सी से कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं अपना मॉडल बनवाने के लिए बैरमैन को बुलाने जा रही हूँ। शू नीचे जाती है। बैरमैन फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। वह एक 60 साल का कलाकार था। उसकी ज़िंदगी का सपना था कि वह एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाए, पर अब तक वह सपना पूरा नहीं हुआ था। पर उसे पूरा भरोसा था कि वह ऐसा कर लेगा। शू उसे जाकर बताती है कि कैसे जॉन्सी को पक्का विश्वास है कि वह आखिरी पत्ते के झड़ते ही मर जाएगी। क्या वह मूर्ख है? बैरमैन ने उसे पूछा, वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? उसको बहुत तेज़ बुखार है, शू ने शिकायत की। उसने खाना पीना छोड़ दिया है, इससे बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ, बैरमैन ने कहा। वह दबे पाँव उसके कमरे में जाते हैं। जॉन्सी सो रही थी। उसने पर्दा खींचा और उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। केवल एक पत्ता बचा था। बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वह पत्ता किसी भी क्षण गिर सकता था। बैरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी जब अगली सुबह जागी, वह बहुत कमज़ोर आवाज़ में शू को पर्दा हटाने के लिए कहती है। शू घबरा गई और वह धीरे धीरे पर्दा हटाने लगी। तभी उसने देखा उस बेल के पत्ते को। वह बहुत ही हरा और स्वस्थ लग रहा था। आंधी और तेज हवाओं ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने पिछली रात हवा को सुना था, जॉन्सी कहती है। मैंने सोचा कि वह गिर जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम नहीं मरोगी, शू ने कहा। तुम्हें अपने दोस्त की खातिर जिंदा रहना होगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी कमजोरी से मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग हर घंटे बाद वह खिड़की से बाहर देखती और पाती कि वह पत्ता अभी भी वहाँ था।
ऐसा लग रहा था कि वह बेल से चिपक गया है। शाम को फिर आंधी आई, परंतु वह पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ते को देखती रही, तब उसने सू को बुलाया। मैं एक खराब लड़की हूँ, तुमने इतनी प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत हताश और उदास हो गई थी। आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे यह एहसास हो गया कि मरने की चाह करना एक पाप है। शू ने जॉन्सी को गले लगाया, तब उसने उसे गर्म सूप दिया और एक शीशा भी। जॉन्सी ने कंघी की और वह खुशी से मुस्कुराई। तभी डॉक्टर आता है। उसने जॉन्सी की जांच की और कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे बैरमैन को देखने। उसे भी न्यूमोनिया हो गया है, पर मुझे डर है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बैरमैन की आज सुबह मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन से बीमार था। पहले दिन बिल्डिंग के रखवाले ने उसे बिस्तर पर पाया। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहा था। वह तूफानी रात में बाहर था। तब उन्होंने पाया कि एक सीढ़ी और एक लालटेन जो अभी भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी, कुछ ब्रश और हरे तथा पीले रंग के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े थे। प्रिय जॉन्सी, सू ने कहा, खिड़की के बाहर देखो उस आईवी के पत्ते को। तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वह पत्ता हवा चलने पर फड़फड़ाया क्यों नहीं? वह बैरमैन की अंतिम कला है। उसने उसे उस रात को पेंट किया जब वह आखिरी पत्ता झड़ गया था।